आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। भाजपा नेता प्रमोद सागर ने अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में उनके निवास जाकर सभी ने समाज सेवक शिक्षाविद डॉक्टर अरुण पटनायक जी को इंडियन आइकॉन अवार्ड मिलने पर उनके निवास जाकर बधाई और शुभकामना दी। गौरतलब है शिक्षाविद डॉक्टर अरुण पटनायक अटल यूनिवर्सिटी में राजभवन से नामित कार्य परिषद सदस्य, भाजपा राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और मानव सेवा को ही माधव सेवा मानते हुए हमेशा जन सेवा में लगे रहते हैं। इन्हें समाज सेवा के लिए अनेकों सम्मान से नवाजा जा चुका है। एनएस रेड्डी, राजेश नायक, अशोक मानिकपुरी शहर के लोगों ने बधाई दी। मैं डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक बिलासपुर से ही मूलतः मैं बिलोंग करता हूं और अभी हाल में वर्तमान में 15 अगस्त को दिल्ली में ओएसिस ग्रुप ऑफ फाउंडेशंस के द्वारा जो भारत के विभिन्न राज्यों से आइकॉन्स का चयन करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका चयन किया जाता है, जिसमें एक बहुत बड़े स्तर के लोग जिसके जूरी के मेंबर होते हैं, जिसमें हर प्रदेश से एक आइकॉन को चुना जाता है जिनके उल्लेखनीय कार्यों को मद्देनज़र रखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस नाम को दर्ज करते हैं, ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ से ये साल 2022 के लिए मेरा चयन किया गया। इससे पूर्व मुझे दो बार छत्तीसगढ़ रत्न प्राप्त हुआ, राष्ट्रीय सेवा रत्न भी प्राप्त हुआ, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा भी मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के अध्यक्षों के द्वारा भी मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, साथ में छत्तीसगढ़ आइकॉन GTV के द्वारा 2019 में भी मुझे प्राप्त हुआ। ये सारे चीज़ें मुझे इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि मैं विगत 26 सालों से छत्तीसगढ़ के इस मालिन बस्तियों में मानवीय मूल्यों की शिक्षा के प्रति मैं लोगों को जागरूक करते हुए बाल विकास के नाम से कक्षाएं चलाता हूं, जिसमें मालिन बस्तियों के बच्चों को ना केवल मानवीय मूल्यों का शिक्षा अपितु उन्हें श्लोक, वेद, भारत के संस्कार, महापुरुषों की जीवनी, भजन आदि मैं उन्हें सिखाता हूं। साथ में मातृ छाया में भी मेरे नियमित कार्य होते हैं, केंद्रीय जेलों में मेरे कार्य होते हैं, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में, वनांचलों में विशेष कर मेरा वक्तव्य नियमित रूप से होता है और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और भारत के बाहर 18 देशों में लगभग मेरे विभिन्न यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और अनेकों एसोसिएशंस में भी मेरे वक्तव्य हो चुके हैं मानवीय मूल्यों को लेकर। मेरा जीवन का एक ही ध्येय है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, मानव का सेवा ही माधव का सेवा, क्योंकि इंसान, हर व्यक्ति अपने लिए तो जीता है लेकिन अगर अपने जीते जी अगर वो अपने साथ किसी और का भी कुछ काम आ सके तो वास्तव में एक वो मानवता है और वो मानव जीवन है, इसी के लिए ईश्वर ने हम सबको चुना है। तो मुझे ये सारी प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली, क्योंकि मैं जब 6 माह का था तो मेरे पिताजी का छाया मेरे सर से उतर गया था, तो माँ उस समय बड़े छोटे पद पे रहते हुए हम सबको बतौर पालते हुए इस स्तर पे लाने का प्रयास किया और हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया, तो उन्हें तपते हुए, संघर्ष करते हुए, उन्हें मेहनत करते हुए जो मैंने देखा तो वो एक मेरे लिए एक प्रेरणा बनी और मुझे उन्हीं से सेवा भाव, लोगों के प्रति स्नेह, लोगों के प्रति प्यार, आदर, सम्मान, ये सब मैंने उनसे सीखा और उसी को जीवन में आत्मसार करने का प्रयास करते हुए मैं अपने जीवन में आगे बढ़ा हुआ हूँ और चल रहा हूँ और मेरा यह कार्य निरंतर चलता रहेगा। ये साल 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो पद्मश्री के लिए जो नामों का जो नॉमिनेशंस होते हैं उसमें भी मेरा नाम पैनल में आया है और मुझे नॉमिनेशन नंबर अलॉटमेंट भी हुआ है। एक सच्चे साईं भक्त, जनसेवक, गरीबों के मसीहा और हमेशा हर ज़रूरतमंद के लिए खड़े रहने वाले और शिक्षाविद, एक ज्ञानी और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के सम्मानीय कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर अरुण पटनायक जी को इंडियन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे आज पूरा प्रदेश हर्षोल्लास मना रहा है, साथ ही साथ हमारे अंचल बिलासपुर अंचल में भी काफ़ी खुशी का माहौल है और मैं आज हमारे कार्यपरिषद सदस्य माननीय डॉक्टर अरुण पटनायक जी को मैं उनके निवास में अपने मित्रजनों के साथ में मैं आज बधाई देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है और मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर पटनायक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और
एक ऐसी अपेक्षा भी रखता हूँ कि वो अपने जीवन पर्यंत तक ऐसे समाज सेवा करते रहें और ऊंचाई को प्राप्त करें। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।